हेलो दोस्तों, मैं अमित सिंह राठौर, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते उत्तराणी में। तो चलिए नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा डेस्टिनेशन है पांडे गांव, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। नदी का मंदिर बहुत अच्छा है, ये रोड भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस जगह एरिया घूमते हुए जैसे आप देखते जाओ तो ग्रीनरी है, हरियाली है, लोगों के पुराने ज़माने के मकान हैं, और ये आप देख सकते हैं कुछ नए मकान भी बने हुए हैं, जैसे कि लोग आज के मॉडल जमाने में बच्चे कुछ खेल रहे थे। और यहाँ पे देखिए बस भी है, स्कूल की सुविधा भी है, और जैसा आप देख सकते हैं ये मकान देखिए कितना बढ़िया आधुनिक मकान बना। ये पुराने ज़माने का मकान है, हालांकि ये सब एरिया जो है अभी गाँव का एरिया है उत्तराखंड का, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर देख के। ये देखिए ये नज़ारे पीछे, इधर पहाड़ दिख रहा है सामने, जो खेत के आगे जो दिख रहा है आपको फॉग के आगे वो पहाड़ है, पहाड़ी क्षेत्र है, ये अभी समतल एरिया है। और लोगों के मकान जो हैं ऐसे हैं कि आगे को उन्होंने थोड़ा सा देखिए खेती बाड़ी की है, और उधर मकान बना रखा पीछे को ताकि खेती भी हो सके मकान में। ये देखिए महिलाएं लोग कैसे पैदल जा रहे हैं। रोड भी कितना साफ़ सुथरा है उत्तराखंड में, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि यहाँ पे जो है अभी यातायात तो नहीं है इतना, लेकिन रोड वगैरह बहुत अच्छी हैं। आप अच्छे से आके यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बजे दे तू पहाड़ी गीत रे, आज मिल बेरम जम के नाच नुहा, ओ बंद कर दे परदेसी गीत रे, मिठो नाचनु बस पहाड़ी बीट मा। बजे दे तू पहाड़ी गीत रे, आज मिल बेरम जम के नाच नुहा। भाई ये इसके बाद आप देख सकते हैं हम लोग आगे कितना, ये एक और टर्न आया, ये देखिए यू टर्न, बिल्कुल यू टर्न। आप मेरे पीछे से देख सकते हैं ये घूमते हुआ पूरा उल्टा हो गया, ये हाँ ये पूरा टोटल जंगल एरिया है, जंगल है ये पीछे है ये देखिए। और कुछ लोग और भी जा रहे हैं अपने परिवार के साथ में मोटरसाइकिल पर, और मोटरसाइकिल का एक अलग ही नज़ारा होता है, उस पर सैर करना, उस पर जाके एक कहीं पॉइंट को व्यू करना, बहुत अलग ही एक मतलब कोई खूबसूरती जो होती है ना वो आप मोटरसाइकिल के जरिए देख सकते हैं। आपको कार में, बस में है ना, इस चीज़ों में ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो आपको बाइक से ही आपको देखने को मिलेंगी बहुत अच्छे से, जिसका नज़ारा आप ऐसे एक एक पल को आप अपनी आँखों में कैद कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी हम पहाड़ों के दूसरे पड़ाव पे आ गए हैं। यहाँ पे भी मकान आप देखते थे तो पुराने ज़माने के मकान थे, और ये नया मकान है, ये पुराने, ये सारे पुराने मकान हैं। अभी ये पुराने ज़माने के जो बहू लोग होते थे पहाड़ी, वो कैसे बनाते थे मकान। ये मार्केट आ गया है, यहाँ पे हल्का फुल्का मार्केट भी है, कुछ दुकानें आप देख सकते हैं। ये मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। मंदिर क्या है, ये पुराने ज़माने के मंदिर हैं, तो आप देख सकते हो आजकल के तो बहुत आधुनिक मंदिर हो गए हैं, जिनमें आप देख सकते हो काफ़ी पत्थर वगैरह, अच्छे पत्थरों का स्वागत करेगी। ये पुराने ज़माने के ईंटों से बना हुआ मंदिर था। ये खेत हैं, आप देख सकते हैं खेतों में बाद खेती वगैरह की गई है, इस समय गेहूँ की वो चल रही है, धान गेहूँ चल रहा है। तो भी हालांकि मुझे पता नहीं सही से क्या था वो, क्योंकि मैं शहर से हूँ तो खेती वेती के बारे में थोड़ा कम जानता हूँ दोस्तों। बाकी आप देख सकते हैं पहाड़ों में सबसे अच्छी खूबसूरती ये होती है कि वहाँ एकदम शांत वातावरण होता है, कोई भी हवा दूर लड़का कुछ नहीं, सब नेचुरल होता है, एकदम प्राकृतिक शुद्ध वायु हवा और पानी, वहाँ का खान पान सब ट्रेडिशनल, बहुत अच्छा लगता है देखने में। बहुत खाने में भी जो स्वाद आता है वो आज के हमारे शहर में नहीं होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये
ये रहा एक मकान, देखिए कितना बड़ा मकान है, बाप रे। गांव में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि लोगों के स्पेस बहुत होता है, शहरों में इतना स्पेस नहीं मिलता है क्योंकि महंगी महंगाई होती है। ये देखिए कितना खूबसूरत मकान बना है, ओह माय गॉड कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर मकान है। मतलब ऐसी जगह पर भी आप बिलीव नहीं कर सकते, विश्वास नहीं करोगे ऐसे मकान बने होंगे। हर जगह चेंजेस हो रही है, गांव में भी बहुत सी चीज़ें चेंजेस हो रही है। ये पुराने जमाने का देखिए कितने खूबसूरत मकान ये भी है। सुने दे विचार झोड़ ले लगे दे, बुले दे तू अलमड़ बटी वो झोलिया रखो, मसक बिन ढोल दमो वाले संगीत का रुको। बुले दे अब बजे भी दे, बजे दे तू पहाड़ी की तेरे। अब देख सकते हैं ये मार्केट है, ये थोड़ा सा गधेरे में, गधेरे का मतलब गड्ढा, जो गहराई जो होती है ना उसको गधेरा बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। तो ये गधेरे में था मार्केट थोड़ा, और इसके आप जस्ट पीछे देखेंगे तो पूरा खाई है दोस्तों। मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये हम लोग ऊपर चल रहे हैं अभी, ये हम कम लोग दो पहाड़ ऊपर आ गए हैं अभी, ऊपर का मार्केट है ये सारा। तो आप देख सकते हैं हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे भी, खाने की, आपको सैनिटरी की हो, आपको दवाइयाँ हो, ये देखिए मेडिकल्स भी हैं, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा आपको। बड़ा अच्छा जीवन लोग शांत वातावरण में अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ कोई भाग दौड़ नहीं है कुछ ज़्यादा, मतलब इन लोगों को चाहत नहीं है अपने कि ज़्यादा कुछ कमाए रखें अपने पास, और साधारण जीवन व्यतीत करते हैं हर। और देख सकते हैं दोस्तों ये देखिए आप यहाँ पे, आप कह ही नहीं सकते कि ये गांव होगा। ये देखिए कितना अच्छा एरिया है, ऐसा लग रहा है किसी कॉलोनी में हम घूम रहे हैं कि पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ पे हम लोग बाइक पे हैं। तो ये देखिए चारों तरफ क्या नज़ारा है, सारे मकान पक्के मकान बन गए हैं यहाँ पे भी काफ़ी। आप देख सकते हैं जगह जगह पे लोग पुरुष मिलेंगे, लेकिन वो बैठे हुए मिलेंगे आराम करते हुए। ही है यहाँ का, मतलब कह सकते हैं वैसे तो काम तो दोनों पे ही पड़ता है, लेकिन महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा काम करती हैं। और रूट भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा रूट है, एकदम साफ़ सुथरा, प्लेन, कहीं गड्ढे फड्ढे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये उत्तराखंड के CM जो हैं उन्होंने भी काफ़ी यहाँ पर डेवलपमेंट किया है पहाड़ी क्षेत्रों में ख़ास तौर से। जैसा कि आप, हम मैं क्या बोलूँ, आप खुद देख सकते हैं सर रोड हमारा पूरा रोड कैसा चमचमा रहा है। और ये देखिए अभी हम और ऊपर आ गए हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र, सामने पहाड़ दिख रहा है, ये पहाड़ में नैनीताल से ऊपर है ये पहाड़, ऊंटाल के ऊपर के। और ये आपका एरिया थोड़ा कट जाता है, ये देखिए ये सामने नदी दिख रही है आपको, ये पूरी एक नदी है और काफ़ी दूर तक गई है, लंबी है, ये पहाड़ों के बीच से निकलती हुई आई है दोस्तों। और आप क्या बात है भाई, एक पहाड़ फिर दूसरा पहाड़, तीसरा पहाड़ में, मतलब मेरा कैमरा पता नहीं दिखा पा रहा, नहीं दिखा पा रहा, लेकिन मेरी हमारी गाड़ी का देखो क्या टूटा है, हैंडल टूटा है, नहीं हैंडल बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, बैक हैंडल होगा शायद ये, और पूरा यार एल्युमिनियम का है, ये टूट चुका है। बाइक ये है पीछे खड़ी है, मैं आपको बाइक दिखाता हूँ, अभी गाड़ी नई ली है, नई गाड़ी है सर, नंबर भी नहीं है, नंबर भी नहीं आया अभी, गाड़ी का बैक पैनल टूट गया और उसमें नंबर भी नहीं लिया अभी। तो हम लोग बहुत ऊंचाई पे, बहुत हाइट पे, मैं बता नहीं सकता, पांडे गांव है ये, मतलब मिक्स है कुछ। खैर यहीं छोड़ दें इसे,
का साथ हमारे साथ यहीं तक ही था, यहीं तक का था। सही कह रहे हैं। देखिए ये आया आपका, ये टैरिफ होता है, ये टैरिफ फार्मिंग होती है जिसे बोलते हैं, सीढ़ी नुमा होती है। यहाँ पे लोग रहते हैं अपने अपने खेतों में, अपनी जैसे कुछ भी सब्जी उगा लो, खेती बाड़ी, जो भी खेती बाड़ी करना चाहे, वैसे जैसे गेहूँ हो गए, चावल हो गए, मडवा हो गया, ये सब उगाते हैं। ये देखिए ये मकान भी है, एक नीचे ऊपर पहाड़ है, ये चोटी है। हम भी पहाड़ों पे ही है इस समय, हमारी बाइक गर्म पड़ गई तो हम रुक गए थे। अभी देखिए ये आगे नदी साथ साथ चल रही है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा रोड खराब है, कच्चा है, क्योंकि यहाँ पर अभी मतलब डेवलपमेंट कम हुआ है, हुआ था लेकिन कुछ लैंडस्लाइड हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम रहा होगा जिससे दोबारा सड़क नहीं बन पाई। जो पानी आता है उससे मतलब सड़क भी उखड़ जाती है, तो अभी बना रहे हैं लोग। ये देखिए दो रूट है, एक ये रूट है ये पांडे गांव के लिए जाता है, और एक ये रूट है, ये हम जिस रूट पे जा रहे हैं ये हमारा डेस्टिनेशन है। यहाँ पे देखिए पानी की धारा आ रही है, जो सीधे गौला नदी कह सकते हैं, गौला नदी में जा रही है, और ये हमारा रूट है। यहाँ पर थोड़ी सी हमें दिक्कत हो रही है, शायद यहाँ पर लोग नहीं है ज़्यादा, रहने वाले नहीं है, इसलिए यहाँ पर सरकार का भी प्लान नहीं है। ज़्यादातर गवर्नमेंट उन क्षेत्रों में डेवलपमेंट करती है जहाँ पब्लिक होती है, यहाँ पब्लिक कम है। और यहाँ आप देख सकते हो अभी तो एक भी मकान हमने नहीं देखा है इस एरिया में। तभी यहाँ पर देखिए सड़क भी थोड़ी सी कच्ची है, और काफ़ी दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने में। आप देख सकते हैं ये भी एक पानी का स्रोत था, जहाँ से ऊपर झरनों से पानी आता है और नीचे नदी में जाता है सीधा। और आप ये देख सकते हैं सामने पहाड़ है, हम उस रूट से आए थे, अब उसके आउटसाइड में हैं। और इधर की भी हरियाली देखिए आप, कितनी सुंदर नज़ारा है, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। ये देखिए सामने सूर्य देवता हैं, और सूर्य देवता के जस्ट नीचे पहाड़ हैं, तो उनकी जो किरणें, सूरज की जो किरणें पड़ रही हैं पहाड़ पे या पेड़ पौधों पे, कितनी ग्रीनरी सी छटा आ रही है उस पे। और ये आप देखिए, ये टर्न है, यहाँ पे हल्का सा टर्न था, ऐसा हमको लग रहा होगा कि हम सीधा सीधा चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये पूरा गोल टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। और अगर हम इसको ड्रोन से शूट करते तो आप शायद में दिखा पाता कि ये एरिया कैसा है। नेक्स्ट टाइम हम अगला ड्रोन से ही भी करेंगे शूट, लेकिन अभी हम आपको मोबाइल से दिखाना चाह रहे हैं क्या क्या नज़ारा है ज़मीनी स्तर से। ये देखिए रोड बाकी ख़राब है, हमें बहुत दिक्कत आ रही, कैमरा भी हिल रहा होगा शायद, आप लोग को सही से दिख ना रहा हो, लेकिन अगली बार हम आएंगे तो कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे इस पर। यहाँ बोट नहीं है, थोड़ा दिक्कत हो रही, लेकिन हम रोड के सहारे चलते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ ट्रालीस वगैरह खड़ी थी, तो लोगों के अपने खुद के ये बहाने काम करते हैं। ये देखिए ये मकान नीचे को, रोड से नीचे को बना है, पुराने ज़माने का मकान है। और यहाँ देखिए ये कुछ था लिखा हुआ, हम रुके नहीं, हमें नहीं मालूम कौन सी जगह थी, स्टैंड था वो शायद किसी चीज़ का, आप वेट कर सकते हो वहाँ पर रुक के। ये मकान देखिए पुराने ज़माने के मकान, खेतों में बने हुए, रोड के ऊपर को,
और ऐसे ही यहाँ पे सब मकान बने होते हैं। ये हमारे रूट है, काफ़ी ऊपर लोग मकान बनाए हुए हैं, नीचे रास्ता है, ये सब ऊपर को है ना। लोगों के अपने खुद के वाहन रोड के किनारे खड़े हुए हैं, ताकि यहाँ पार्किंग की तो व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए लोग ऐसे ही अपना टाइम काटते हैं, दिनचर्या अपनी सुविधा अपने हिसाब से बना लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये आया है गदेरा, जिसे हम गदेरे बोलते हैं। गदेरे में देखिए कैसे माहौल है नीचे तक का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्रिज है, और ब्रिज आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये नदी जो है हम फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन नहीं है, ये नदी हमें ऊपर से मिली है, ऊपर का एरिया है। अभी इसके नीचे तो समझ लो कितना फिट होगा, मेरे को नहीं अंदाजा। ये नीचे जाती है, बहुत नीचे जाती है, अभी ये और ऊपर से आ रही है। हम जितना ऊपर जाएंगे ऐसा लगेगा हम फर्स्ट फ्लोर पे, नहीं है, हम ज़मीन पे नहीं है, हम ज़मीन से बहुत ऊपर, नदी बहुत ऊपर बह रही है। पुल देख सकते हैं, पुल के जरिए आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि हम शायद फर्स्ट फ्लोर पे नहीं। ये अभी नदी जो है नीचे को गई है, काफ़ी नीचे गई है। अभी ये मकान देखो, कुछ मकान आ गए हैं। ये मकान इस तरह से पुराने ज़माने के लोग बना के रहते थे। ऐसा इसलिए बनाते थे क्योंकि इनमें जंगली जानवरों को यहाँ आने का डर लगा रहता था। ये देखिए पानी भी यहाँ पे कितना साफ़ पानी है, इस पानी को आप पी सकते हैं। मैं समझता हूँ ये पानी इतना शुद्ध है कि आपको पीते ही एहसास हो जाएगा कि आपने कुछ पानी नहीं, कुछ अलग सा सॉफ्ट ड्रिंक पिया है, जो मतलब काफ़ी टेस्टी और एनर्जेटिक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक गाँव आया है, ये भी दुकान लोगों ने अपनी बना रखी है अपनी सुविधा के हिसाब से। और कई लोगों ने, ज़्यादातर लोग अपनी दुकानें ये रोड की ओर बनाते हैं और मकान पीछे की ओर रखते हैं, जंगल की ओर गेट, और ये ढके हुए होते हैं चारों तरफ से, क्योंकि जंगली जानवरों का जैसे बता रहा था आपको प्रॉब्लम रहता है, यहाँ पे कहीं भी आ सकते हैं छलांग मार के, इसलिए वो पूरा ढक के बनाते हैं चारों तरफ से, उसे गेट और खिड़कियाँ ही रखते हैं, ताकि रात को ये आराम से अपने सेफली बंद करके सो सके। और मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग शहरों में देखते हैं कि वो बाहर का एरिया ओपन होता है, लेकिन यहाँ नहीं होता है ऐसा। हम अपने बस लास्ट डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा ही और रह गया है हमारा। दोस्तों आप देख सकते हो ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ है, ये सामने भी पहाड़ है, ये छोटे छोटे मकान बने हुए हैं आप देख सकते हो, ये गदेरे में है और ये हम ऊपर को हैं। ये खेत जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सर का खेत है हमारे अम्बुजदा का, वो कम्बोज जी का, अम्बुजदा का नाम आ रहा है, कम्बुजदा का नाम ये खेत है। अब हम आपको दिखाते हैं, एक मिनट, इसमें कुछ बोया हुआ है तो इसे बचा लेते हैं हम पहले। तो ये रास्ता है यहाँ से, ये इधर किसी का मकान है, ये मैं यहाँ से एंट्री किया था, ये पूरा एरिया। और इसके बाद ये लेटर बाथरूम बनाया पुराने ज़माने का, ये रास्ता है, ये ऊपर को भी है इनका, ये सारा इनका एरिया है कम्बोज जी का, ये कमरा है। ये लास्ट है ना, ये बाउंड्री, ये अपना इधर तक का है इतना एरिया लास्ट, ये दूसरों का है ऊपर। ये भी अपना है ना, ये सारा एरिया इतना नीचे तक, ये वाला पूरा एरिया ऊपर की साइड भी, उसके ऊपर भी इधर से जाना पड़ेगा पीछे। वो दिखा दिया मैंने,